हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करूछि समस्ते भलरे अछो ओ एंट्रेंस एग्जाम पय प्रिपरेशन जोरसोर चलाइछो। आजिर मैथ क्लास रे आमे तमर आज मेंस्ट्रुएशन चैप्टर रे जोटा लास्ट रहि जाइछि ताको आज इन डिटेल्स रे आमे डिस्कशन कर देबा। ओके, तमर ऑलरेडी बाकी सब जति कि यूनिट 7 रहथिला कालिर क्लास रे आमे कंप्लीट कर दैछि। तमर टोटल जति कि थिला तमर बाकी पार्ट कौन ना कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट हो गला, क्वाड्रिलेटरल्स कंप्लीट हो गला, ट्रायंगल्स आउट लाइंस एंड एंगल सब हमें कंप्लीट कर दे। ठीक अच्छे, जो मैंने भी चैनल ले नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो आउ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दबो, सच दैट कौन ना तमरो जेटी पे आपको जितनी भी क्लासेस आसीबो सबरो नोटिफिकेशन तमन को पाकु ठीक टाइम रे पहुंची जीवो। ओके, आउ आगर भी जदी तमरो को क्लास टे रही जाई छी चैनल लो प्लेलिस्ट को पढेबो, सेठी सब जिंस तमरो जति भी सब ऑलमोस्ट क्लासेस जति की भी हे छी सबरो लिंक तमन को सेठी मिलि जीवो। ओके, तो चलो आज हम कोन डिस्कशन करबा ना तमरो मेंस्ट्रुएशन। तो देखो मेंस्ट्रुएशन रे कोन कोन अछि ताको टिके देखिनबा, देन आमे बाकी आकु प्रोसीड करबा। तो एबे देखो एबे आसला तमरो कोन ना एडा आसला तमरो सिलेबस टा। तो देखो इतरे आमे कोन कोन शेप्स यूनिट 7 रे अछि तमरो शेप्स इन स्पाइडर रिलेशन, एथरे थिला तमरो ट्रायंगल आमे कंप्लीट कर दैछि, क्वाड्रिलेटरल काले रो क्लास रे इन डिटेल्स रे डिस्कशन करा हैछि। नेक्स्ट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल भी कंप्लीट हो जाएगी, ऑपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल सब कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी भी कंप्लीटेड। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन थी तुम्हारा पैरेलल लाइन एंड प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू पैरेलल लाइन, या को भी तुम्हारो थ्योरी सहित एमसीक्यू सब डिस्कशन करछे। जो मैंने भी नुआ छो आगो क्लास गुड़ा को सब जिते जल्दी पार्छ एटलिस्ट मैंने कौन ओवरलुक कर ना, तो बेस टाइम नहीं एवं जितकी एटलिस्ट मेन मेन कनसेप्ट गुड़ा देखीदे कौन ना से रिगार्डिंग प्रोब्लेम पड़े तुम आराम से मेथड यूज करके कर पारिबो। ओके ना, तो एबे देखो एबे कोन आसला ना तापर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटीज एगुडा भी सब डिस्कशन करछि। आज बस एटा रही जाइछि तमर कोन ना मेंस्ट्रुएशन, या को हम आज डिस्कशन करबा इन डिटेल्स रे। जे हम डिस्कशन करबा कोन ना तमरो एरिया एंड सर्कमटेंसेस ऑफ सर्कल डिस्कशन करबा। नेक्स्ट तमरो एरिया, एरिया रो हायर ऑर्डर प्रॉब्लम कहारो ना स्क्वायर रो, ट्रायंगल रो, रेक्टेंगल रो, पैरेललोग्राम रो, ट्रापीजियम आउ पाइथागोरियन थ्योरम तो ऑलरेडी पढ़ी सारले छि। ओके, तो आज हम डिस्कशन करबा कोन ना तमरो मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन रे इन डेप्थ रे एते किछ मु बने बेसिक थ्योरी न कहि कि जति कि तमरो एग्जाम ओरिएंटेड फार्मूला सब से उडा लिखि दउ छी, आ ता उपर बेस करि कि किछ प्रॉब्लम डिस्कशन कर दबा, हेले तमरो चैप्टर टा उपर ओवरऑल गोटे आइडिया हे जइबो। ओके, तो एबे देखो फर्स्ट थ्री कोन छै तमरो सर्कल। सर्कल तो एते डेफिनेशन किछ पढिबानी, बस तमरो कोन जति कि मेन मेन फार्मूला उडा से उडा मु लिखि दउ छी, समस्त के नोट डाउन करनियो। ओके, तो फर्स्ट असले कोन तमरो सर्कल। सर्कल रो आर कहिले, आर कहिले कोन हेथाय ना तमरो रेडियस करेक्ट, आउ कौन ना तमरो पाई, पाई रो वैल्यू केते हेथाय ना पाई इक्वल्स टू 22/7, और को जगह रे केते बड़े दरकार हेले 3.141 भी तमे पुट करे पारिबो। ठीक अछि, तो फर्स्ट फर्स्ट असले कौन ना तमरो एरिया, एरिया ऑफ ए सर्कल रो फार्मूला कौन थिला तमरो सिंपली पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आसा ना तुम्हारा सर्कमफेरेंस टाक मुझे सी लिखी दौर। ओके, सर्कमफेरेंस रो फॉर्मूला कौन थिला तुम्हारा सर्कमफेरेंस हेगला कौन ना 2πr करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट आसा तुम्हारा कौन ना डायमीटर, डायमीटर डायमीटर टा कौन थाय ना तुम सर्कल रो जी थाय सॉरी सर्कल रो रेडियस रो डबल ता मैंने कौन डायमीटर डी विल बी इक्वल्स टू केते हिबो ना तुम 2r। ठीक अछि, नेक्स्ट नेक्स्ट आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रहिला कोन तुम एरिया ऑफ सेक्टर, कौन ना एरिया ऑफ सेक्टर या ऊपर भी प्रॉब्लम बेस करके पड़ुछि। ओके, तो देखो तुमर धर जाओ एटा जदि एटा जदि सेंटर हैला तार ना जदि ओ हुए तो कौन ना तुमर एठो गोटे ए जो ए ओ बी, ए ओ बी एटा को ही तुमर कौन कह जाए थे ना एटा को ही तुमर सेक्टर बोली कह जाए थे। ओके, तो कौन लिखिबी मु एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी will be equals to केते हि जिवो ना तमरो थीटा बाय 360 डिग्री into पाई आर स्क्वायर करेक्ट। तो देखो ए जो थीटा टा कहले कोडा को तो ए जो ए एंगल टा को कोन कह जाय थे ना इटा हेगला तमरो थीटा, थीटा बाय 360 डिग्री इक्वल्स टू सॉरी थीटा बाय 360 डिग्री into पाई आर स्क्वायर कोला कोन कोन जिवो ना तमरो एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक अछि, एति कि थिला तमरो कोन ना सर्कल रिगार्डिंग किछि इंपोर्टेंट फार्मूला। नेक्स्ट नेक्स्ट असला कोन ना तमरो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कहले कोन सर्कल रो एग्जैक्टली अधाटा हेगला तमरो कोन ना सेमी सर्कल करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो तुम्हारा कौन ना एरिया रो फॉर्मूला, एरिया रो फॉर्मूला कौन है जीवो एरिया, एरिया विल बी इक्वल्स टू कौन ना सर्कल टे थिला तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल माने अधा तो तारो एरिया रो भी अधा हो तो ये कितने ही जीवो ना तुम्हारा
पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्लियर बट तमे जते बेले करना पेरिमीटर काढुछ करना पेरिमीटर काढुछ समस्ते एटा कुडी भूल केमति करंती को तो तमरो तारो पेरिमीटर थिला 2 पाई आर या तारो आधा करि दियंती पाई आर लिखि दियंती जोटा कि तमरो टोटली भूल तो देखो तमरो 2 पाई आर कहिले कोन टोटल ए जो जति किटा बाहर आउटर बाउंड्री टा थिला सेटा थिला तमरो 2 पाई आर करेक्ट ताको जदि मु आधा करि दिए ता माने कोन एटा तमरो आसला 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर ता माने कोन एई जगाटा जति कि जगा डार्केन कली सेटा हे गला तमरो 2 आर करेक्ट तो बाकी पुनी हमर पेरिमीटर कहिले कोन चारि साइड को हमें कंसीडर करता हूँ, बट ये तो तुम्हारा से सर्कल भीतर इंक्लूडेड होनी, तो ये तो कौन है? ये तो तुम्हारा डायमीटर था, तो ताको मैं कौन लेके बैठ भी? This will be equals to perimeter equals to pi r plus 2r क्लियर ना इडा कोटी जैसे समझते स्टार मार्क कर दियो नाले मोस्ट ऑफ पिला केमती करों ते देखो भूल कोटी हुए ना भूल कोटी हुए तमरो ये जो धरा जो करना 2 पाई आर है गला तारो सो माने सर्कल रो सर्कमफेरेंस टा तो जेहेतु सेमी सर्कल तो डिवाइडेड बाय 2 कर दियंती जोटा कि तमरा टोटली रॉन्ग ठीक अछि तो मन रहले नेबे समस्तन करो पेरिमीटर ऑफ सेमी सर्कल कोन हि जीवो पाई आर प्लस 2r क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट कोन आसला तमरा नेक्स्ट आसला तमरा सर्कुलर रिंग बा किछ जगह तमरा कोन कंसेंट्रिक सर्कल्स वर्ड बि मेंशन थाय तो कंसेंट्रिक सर्कल कहले कोन जोटे जो सर्कल रे तमरो सेंटर टा जो सर्कल गुडा रे तमरो सेंटर टा गोटे ही थाय ता माने कोन धरा जो देखो एटा गोटे सर्कल हे गेला तमरो कोन ना C1 सर्कल एंड या भितर आ गोटे सर्कल रखि दउ छी लेट सपोज दिस इज C2 सर्कल यांकर दीटा जा करो C1 आ C2 सर्कल रो सेंटर कोटा ना ओ देन वी कैन से दैट C1 एंड C2 आर कोन ना तमरो कंसेंट्रिक सर्कल बोली भी कुहा जाय थाय ठीक अछि जदी से तुमको करना एरिया पचारे ए जा ए ए पोर्शन टा रो ए पोर्शन टा रो एरिया पचारे सिंपली केते हि जीवो ना तमरो दिस विल बी एरिया विल बी इक्वल्स टू कौन ही जीवन ना बड़ो सर्कल टेरो छोटो सर्कल टेरो एरिया को माइनस कर देले आसी गला तो एरिया विल बी इक्वल्स टू केते ही जीवो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरे धर जो तुम्हारा बड़ो सर्कल रो रेडियस जदी कैपिटल आर और छोटो सर्कल रो रेडियस जदी स्मॉल आर हुए तो एटा केते ही जीवो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर ताको डी सिंपलीफाई करले लिखले केते ही गला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्लियर ना ये जितने की फॉर्मूला उड़ा लिखूं ची समस्त तरीके रोट डाउन कर दियो कारण एग्जाम टाइम पे देखी की गोला वालों को तो मान को पाई सुविधा हो कारण फॉर्मूला उड़ा तेरे ओवरलुक कर दिले कौन सब जिनसे मन रह जाए थे ठीक अच्छे इधर थी लता मर टोटल सर्कल रो पढ़ लो हमें सेमी सर्कल रो पढ़ लो और तुम्हारा सर्कुलर रिंग रो भी पढ़ लो ठीक अच्छे नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आसला तुम देख ट्राइंगल ट्राइंगल रो भी सब जितकी टाइप्स रो ट्राइंगल रो तुम एरिया केमती बाहर करा जाए हाइट केमती बाहर करा जाए पेरिमीटर केमती बाहर करा जाए ताको एबे डिस्कशन करबा कौन आसला ना ट्राइंगल रो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल आसला तुम कौन ना इक्विलेटरल ट्राइंगल कहले कौन ना तुम समबाहु त्रिभुज लेट सपोज एटा गोटे हेगला ट्राइंगल टे समबाहु त्रिभुज माने कौन तार तीनटा जको साइड रो लेंथ तुम इक्वल करेक्ट तो ता माने कौन एटा ए हेले ए साइड टा भी ए हबो दिस साइड आल्सो ए तो तारो एरिया रो फार्मूला कोन थिला ना सिंपली एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू √3/4 इनटू ए स्क्वायर ठीक अछि तो एक जो फार्मूला उडा सब गुडे डायरेक्ट फार्मूला समस्त मन रखिबो ओके कोना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू √3/4 इनटू ए स्क्वायर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट असला कोना तमरो हाइट कहले कोटा ए जो दिस वन दिस इज नोन एज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल तो यारो हाइट रो फार्मूला कोन ना हाइट रो फार्मूला अब किछ नै सेम ही बस इट इज 4 जगह रे इट 2 रहिबो त माने कोन √3/2 इनटू ए स्क्वायर एटा कोन हे गेला ना तमरो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल रो फार्मूला ओके नेक्स्ट पेरिमीटर माने सिंपली तारो तीनटा साइड को ऐड करे तमरो सिगला कोन ना पेरिमीटर तो पेरिमीटर केते हि जीवो ना तमरो 3a यूनिट ओके क्लियर ना समस्ते तो कौन कौन हमें डिस्कशन करलो एरिया केते आसला √3/4 ए स्क्वायर हाइट केते आसला ना तमरो √3/a इनटू √3/2 इनटू ए स्क्वायर ओके एटा हे गेला तमरो कोन ना इक्विलेटरल ट्राइंगल नेक्स्ट कोन आसला ना तमरो आइसोसेलेस ट्राइंगल माने कोन ना तमरो सम द्विबाहु त्रिभुज माने कोन जहारो दीटा बाहु रो दैर्घ्य यदि समान हुए सेटे तुमर कोनि जीवो ना आइसोसेलेस ट्राइंगल यदि एटा ए आ गोटे साइड ते तुम यदि डिफरेंट हुए तो सेटा कोन हेगला ना तुमरो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो आइसोसेलेस ट्राइंगल रो तुमरो एरिया रो फार्मूला कोन हे जीवो ना b/4 अंडर रूट कोन ना 4 ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर करेक्ट एटा तमरो कहारो फार्मूला ना आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया रो फार्मूला कोन ना बी बाय 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट कोन छले ना तमरो हाइट हाइट रो फार्मूला कोन हे जिवो ना सिंपली 1 बाय 2 अंडर रूट कोन आसीबो 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक अछि तो एटा कोन छले ना तमरो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल देन आसीबो कोन ना पेरिमीटर पेरिमीटर बा परिसीमा केते आसीबो दिस विल बी 2a प्लस b ठीक अछि बुझा पडला समस्तंको नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रायंगल कोन अछि नेक्स्ट आसला तमर कोन ना स्केलन ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल माने कोन तमर विषमबाहु त्रिभुज जहार तीनर जक साइड रो लेंथ कोन ना तमर डिफरेंट डिफरेंट थिबो ट्रायंगल से हम ऑलरेडी सब पढी सारी छे तो एटा केते आसीबो तमर देखो लेट सपोज एटा गोटे कोन ना तमर स्केलन ट्रायंगल टे लेट यार गोटे साइड हे गेला तमर कोन ना ए बी सी ठीक अछि तो देखो एरिया ए जो जते बेले तमरो स्केलन ट्रायंगल थिवो तारो एरिया बाहर करिया पई कहार फार्मूला यूज करे जाय थाय ना हेरन्स फार्मूला यूज करे जाय थाय तो हेरन्स फार्मूला टा कोन थिले ना तमरो ए एरिया विल बी इक्वल्स टू एस इनटू एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी रो कोन ना रूट ओवर व्हेयर इट लिखि दउ छी व्हेयर एस विल बी इक्वल्स टू एस टा कोन ना तमरो सेमी पेरिमीटर तो सेमी पेरिमीटर केमती की काढंती ना तमरो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी जो तीनटा साइड थिबो ताको डिवाइडेड बाय 2 कर दबो हेले कोन ना तमरो सेमी पेरिमीटर बाहर जिवो तो ए फार्मूला टा को कोन कह जाय थे ना तमरो हेरन्स फार्मूला ओके तो एथरो अब यार आउथरे रिकॉल कर दुची फार्मूला टा कोन थिला एस इनटू एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी व्हेयर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कोन छले ना तमरो पेरिमीटर पेरिमीटर माने कोन सिंपली तर तीनटा साइड को ऐड कर दबा ता माने कोन ए प्लस बी प्लस सी इज नोन एज द पेरिमीटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल क्लियर ना नेक्स्ट नेक्स्ट कोन छले ना तमरो राइट एंगल ट्रायंगल तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल कोन होए ना एटा धर जो तमरो गोटे राइट एंगल ट्रायंगल टे कोन दे छिना एटा हे जबो तमरो परपेंडिकुलर पी एटा हे गला बेस एटा छला तमरो हाइपोटेन्यूस एच ओके तो देखो आमे कोन ना ट्रायंगल रो मेनली तमरो को फार्मूलाटा राइट एंगल ट्रायंगल पई आमे यूज करथाउ ना तमरो हाफ एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया विल बी इक्वल्स टू कोन हे जबो ना हाफ बेस इट लिखि दउ छि भले बेस इनटू कोन ना तमरो हाइट करेक्ट तो एबे देखो हाफ एज इट इज तमरो ए ट्रायंगल टा रे बेस केते अछि बी हाइट केते अछि ना तमरो परपेंडिकुलर हाइट टा केते पी तो एरिया केते आसला हाफ डी इनटू पी क्लियर इडा आसला तमरो कोना राइट एंगल ट्रायंगल रो एरिया रो फार्मूला पेरिमीटर तो कर दबो किछ असुविधा नै पी रो वैल्यू जति कि थिबो बी रो वैल्यू जति कि थिबो एच रो वैल्यू जति कि थिबो ताको ऐड कर देले तमरो कोना आसी गला तमरो कोना पेरिमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आ गोटे देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट समस्त को मन रखिबा को कहितली मने अछि ना समस्त कर तो देखो पाइथागोरस थ्योरम टा कोन थिला ना तमरो पाइथागोरस थ्योरम टा हे गला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट कोन आसले ना तमरो नेक्स्ट आसला कोन ना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल माने कोन धरा जाऊ एटा तमरो गोटे राइट एंगल ट्रायंगल टे हला जदि तारो बेस आउ परपेंडिकुलर वैल्यू जदि समान हुए देन आमे ताको कोन कहि परबा ना दिस इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल करेक्ट तो देखो यारो एरिया रो फार्मूला कोन हि जीवो एरिया विल बी इक्वल्स टू कोन देखो हाफ बेस रे केते अछि ए हाइट रे केते अछि ना ए ही अछि ए जो पी रो वैल्यूटा ए ही दैछि तो कोन हला हाफ बेस इनटू हाइट तो तमरो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल थिले डायरेक्ट से जगह रे एरिया रो फार्मूला कोन यूज करबो ना तमरो हाफ ए स्क्वायर क्लियर ना समस्ते ए फार्मूला गुडा काहे किछि भी कन्फ्यूजन नै नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करू छी एते हेले तमरो कोन ना ओवरऑल ट्रायंगल उपरे ट्रायंगल रो जति कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल तांकर जति कि इंपोर्टेंट एरिया जेतु तमरो मेनली तमरो 2D टा ही मेंशन करै छी माने सिलेबस रे 3D रे जमा भी नाही फिर भी मुनोले गोटे काम करबि तमरो जति गोटे 3D फिगर उडा छी जेमती गोटे हे गला तमरो क्यूब क्यूबॉइड से गोटे रो बस तमरो कोन ना जो फार्मूला गुडा चार पांच टा फार्मूला थिवो मु से गुडा तमन को टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर कर देबी ऑल्दो तमरो मेंशन नै फॉर सेफ्टी माने कोना सेफ रीजन देखिया को जेकी टिके खाली फार्मूला गुडा ओवरलुक कर देथिबो मेंशन नै माने मोस्ट प्रोबेबली माने 98% चांस अछि पडिबो ही नै तमरो 3D उपरे क्वेश्चन सब क्वेश्चन तमरो 2D रु ही आसीबो ठीक अछि ना त
तो ए गुडा सब गुडा थिला कोन ना तमरो ट्रायंगल रो फार्मूला गुडा जते सब माने माने एरिया रिगार्डिंग आउ पेरिमीटर आउ जहां भी इंपोर्टेंट फार्मूला डिस्कशन करलु कोन ना तमरो ट्रायंगल ट्रायंगल कंप्लीट हला सर्कल रो कंप्लीट हला एबे मूव करबा तमरो क्वाड्रिलेटरल्स को क्वाड्रिलेटरल्स रे फर्स्ट आसला कोन ना तमरो स्क्वायर स्क्वायर ऑफ माने कोन जा कालिरो क्लास रे पढिजे जहारो चारिटा साइड तमरो सेम थिबो हे गला तमरो स्क्वायर तो यार पेरिमीटर कौन हो ना पेरिमीटर हो गला 4a एरिया कौन हो ना एरिया विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर जदि साइड गिवन थाए जदि तुम्हारे कौन ना डायगोनल डायगोनल डी रे जदि गिवन थाए तो एरिया रो फार्मूला कौन हो ना तुम्हारे हाफ डी स्क्वायर कले कौन आसो ना तुम्हारा डायगोनल आसो तो ये नेक्स्ट आसा कौन ना तुम्हारा डायगोनल डायगोनल फार्मूला कौन ना सिंपली जदि गोटे स्क्वायर टे ईच साइड ए हुए देन तारो डायगोनल केते हि जीवो ना तारो डायगोनल वैल्यू हे गला केते ना √2 * a क्लियर ना समस्ते एते के थला तमरो कोना कालरो क्लास रे भी तमरो जो जते बेला हमें कोना तमरो क्वाड्रिलेटरल्स पढतलु सेथि भी मु तमको पेरिमीटर एरिया डायगोनल सब फार्मूला गुडा लिखि दितली फिर भी आउथरे तमरो मेंशनेशन रे जे तु मेंशन अछि तो ताको आउथरे मु लिखि दउछि ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कोन आसला ना नेक्स्ट आसला तमरो रेक्टेंगल रेक्टेंगल रो तमरो कोन थला फिगर टे ड्रा कर दउछि ओके जस्ट अ सेकेंड तो यहाँ गला तुम कौन ना रेक्टांगल टे ये तुम लेंथ ये ब्रेथ आउ कौन ना यहाँ आसा तुम कौन ना डायगोनल करेक्ट तो तुम एरिया फॉर्मूला कौन हो ना लेंथ इंटु ब्रेथ पेरिमीटर फॉर्मूला कौन थी ना तुम 2 * लेंथ प्लस ब्रेथ करेक्ट डायगोनल डायगोनल फॉर्मूला कौन हो डायगोनल विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो रूट ओवर यदि ये देखो डायगोनल केमती है कल तो आई थिंक मुझे सब पूरा डिटेल्स रे डिराइव करी तो यहाँ भी एल हो गले तुम ये गोटे राइट एंगल ट्रायंगल टे है तो ये तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज कले कौन तुम डायगोनल टा के ना तुम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो रूट ओवर ठीक अच्छे ना नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करवा तुम रम्बस को रम्बस रो डेफिनेशन समस्त मन अच्छे फिगर भी मन अच्छे ना समस्त तो यहाँ हो गला कौन तुम रम्बस करेक्ट तो एबे देखो कौन आम डिस्कसन करें रम्बस रो एरिया तो रम्बस रो एरिया रो फॉर्मूला कौन सिंपली जदि एटा गोटे रम्बस हेविंग डायगोनल कौन ना तुम D1 एंड D2 देन तार एरिया रो फॉर्मूला कौन हो ना तुम हाफ D1 * D2 टा हो गला तुम कौन ना एरिया रो फॉर्मूला ओके पेरिमीटर कौन हो ना पेरिमीटर विल बी इक्वल्स टू 4a ठीक अच्छे नेक्स्ट नेक्स्ट कौन चलें तुम पारालोग्राम पारालोग्राम तुम एरिया रो फॉर्मूला कौन थी तुम सिंपली बेस बेस इनटू कौन ना हाइट कले तुम हाइट हाइट कले आसो तुम कौन ना पारालोग्राम रो फॉर्मूला आउ तार पेरिमीटर कौन हो ना सिंपली जदि धर जो यहाँ गोटे पारालोग्राम टे है दिस वन लाइक दिस दिस ये जो तुम पारालोग्राम टे होला ये जो तुम बी एटा ए साइड हुए देन यार पेरिमीटर के ना A2 * A+B ओके यहाँ आसा तुम कौन ना पारालोग्राम रो एरिया आउ पेरिमीटर रो फॉर्मूला नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आसा ना तुम ट्रापिजियम ट्रापिजियम रो फॉर्मूला कौन थी ट्रापिजियम रो डेफिनेशन समस्त मन अच्छी जो क्वाड्रिलेटरल्स रो तुम वन पेयर पैरेलल साइड्स थी आम कौन कही था ना ताको आम ट्रापिजियम कही था ए यटा को बी एटा हो गला तुम सी आ गोटे कौन आसा तुम डी तो फर्स्ट फर्स्ट देख तुम एरिया एरिया ऑफ ट्रापिजियम रो फॉर्मूला कौन थी एरिया विल बी इक्वल्स टू कौन थी हाफ इंटू जो गुडा तुम पैरेलल साइड थी तांकर सम ओके एमती नहल करवा हाफ इंटू हाइट हाइट इंटू सम ऑफ करना लाइन्स जो गुड़ा करना तुम पैरेलल टू इच अदर पैरेलल टू इच अदर कौटा अच्छे तुम ए साइडटा आउ बी साइडटा तामने कौन यांकर समटा ए प्लस बी ठीक अच्छे ये आसा तुम कौन ना एरिया एरिया होगा तापर नेक्स्ट नेक्स्ट लेट सपोज कौन ना तुम इटा गोटे पॉइंट लिखि दूसरे लेट सपोज तुम कौन ना लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर गिवन करेक्ट देन एरिया रो फॉर्मूला कौन हो मैंने कौन सिंपली से ये हाइट न देकि कौन दे थोड़ा ना तुम
पारालाल ए जो माने सब गुडा ए बी सी डी सब रो वैल्यू देथिबो बस कोना तमरो कोना एच रो वैल्यू एच सच किछि दे नथिबो तो सेही जगह रे तमे एरिया रो फार्मूला कोन हिजबो ना एरिया विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय के तो देखो होयर एठी आगो लिखि दउ छी होयर के विल बी इक्वल्स टू कोन हिजबो ना तमरो ए माइनस बी तो देखो एरिया रो फार्मूला कोन आसीबो ना ए प्लस बी डिवाइडेड बाय के इनटू इनटू कोन ना तमरो एस इनटू एस माइनस के इनटू एस माइनस सी इनटू एस माइनस डी करेक्ट तो होयर होयर के रो वैल्यू केते से इटे देखो ए ए रो वैल्यू नॉन अछि बी रो वैल्यू जणा अछि के रो वैल्यू केमती के काढिबा सिंपली ए माइनस बी कर देले तमर कोन ना के रो वैल्यू बाहरि जिवो करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट कोन रहले ना तमरो एस टा एस टा गुटे अननोन रहला तो एस रो वैल्यू केमती काढिबो ना एस विल बी इक्वल्स टू के प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 एमती कोले कोन ना तमरो एस रो वैल्यू बाहरि जिवो तो एस रो वैल्यू काढि पारिबो के रो वैल्यू तो काढलु ए माइनस बी करिकि सी आउ डी रो वैल्यू गिवन थिबो तो आराम से सेथिरु कोन आमे ना ट्रापीजियम रो एरिया काढि दे पारिबा तो एठो आमे दुटा फार्मूला डिस्कशन करलु गोटे कोन ना तमरो सिंपली जदि से कोन ना तमरो पैरेलल साइड दुटा दे दैछि आउ जदि हाइट दे दैछि तबे तारो फार्मूला कोन हिजबो ना हाफ हाइट इनटू द सम ऑफ द कोन ना तमरो पैरेलल साइड्स करे लेट सपोज कोन तमरो दीटा पैरेलल साइड रो लेंथ दिछि और नॉन पैरेलल साइड रो भी लेंथ दिछि बट तमरो कोन हाइट रिगार्डिंग किछि भी मेंशन नहीं देन तमरो कोन ए जो सेकंड फार्मूला टा रहिला याकु तमे यूज करिवो क्लियर ए दीटा फार्मूला काहि किछि कन्फ्यूजन नहीं एडा थिला तमरो कोन ट्रापीजियम उपरे तो एतिकि गुडा थिला कोन तमरो टोटल ओवरऑल थ्योरी हेगला मेंशुरेशन रो ए चैप्टर भीतर बस मेंशुरेशन रो एतिकि थ्योरी अछि ए गुडा रही तमरो कोन बुलेबो के किसे क्वेश्चंस पचारिवो ओके तो एबे आमे किछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दबा मेनली जो गुडा कोना तमरो जति कि फार्मूला गुडा तमे थ्योरी पार्ट ते डिस्कशन कंप्लीट कर देले एबे ताकु बेस करिके किछि प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर दबा तो फर्स्ट क्वेश्चन असला तमरो प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि तमरो देखो द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट हैविंग साइड 12 35 एंड 37 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड whose sides are in the ratio 7:3 the perimeter of the field kete hobo boli se pochari chi correct to ebe dekho to tamaro kona 12 asila 35 asila au kona tamaro 37 asila eta dekhle laguni eta tamaro gote pythagorean triplets te ta mane kon definitely tamaro kona ei jo triangle ta form hobo eta kona gote right angle triangle hobo correct jodi tamaro right angle triangle hoy sobutu jo ta lomba side ta seta tamaro हाइपोटेन्यूस हो ताने कौन डेफिनेटली ए जो ट्राइंगल रो हाइपोटेन्यूस रो वैल्यू केते आसीबो ना तमरो 37 सेंटीमीटर तो एटा जदी तमरो 12 आसीला तो एटा केते हिजबो ना तमरो 35 सेंटीमीटर एटा हम ट्राइंगल रे ड्रॉ कर देलु नेक्स्ट ट्राइंगल टा रो ए जो ट्राइंगल टा रो यारो एरिया एरिया कहा सहित समान हबो इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड व्हिच साइड्स आर इन द रेशियो तो यारो एरिया टा कहा सहित समान हबो ना धर जे गोटे रेक्टेंगुलर फील्ड अछि जहारो साइड रो रेशियो केते दिछि ना तमरो 7:3 ता माने कोन सिंपली यारो वैल्यू आसी गला जदि लेंथ टा जदि सॉरी एटा तमरो 3 अछि माने ऑब्वियसली तमरो ब्रेथ त छोटो हबो ता माने कोन एटा आसी जबो तमरो 3x आउ लेंथ केते हे गला ना तमरो 7x ता माने कोन ए ट्रायंगल रो एरिया आउ ए जो तमरो रेक्टेंगल रो एरिया ए दिटा रो तमरो एरिया कोन ना इक्वल तो देखो एबे हमें आराम से ट्रायंगल रो एरिया काढ दे परबा तो ट्रायंगल रो एरिया केते हि जिवो ना तमरो हाफ बेस केते अछि तमरो 12 इनटू हाइट हाइट माने दिस वन एटा केते अछि ना तमरो 35 विल बी इक्वल्स टू कोन आसी जिवो ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल माने कोन लेंथ इनटू ब्रेथ ता माने कोन आसला तो तमरो 7x इनटू 3x करेक्ट ना नेक्स्ट नेक्स्ट देखो याकु टिके सिंपलीफाई कर दियो एटा हे गला तमरो 6 एटा को कोले 7 रे कोले एटा को 3 रे अथरे कैंसिल हो 3 रे कोले ता आसला तमरो 2 आ याकु 7 रे करो 7 रे कोले आसला तमरो 5 तो देखो x रो वैल्यू केते आसला दैट इंप्लाइज x विल बी इक्वल्स टू 2 इनटू 5 व्हिच इज इक्वल्स टू सॉरी x स्क्वायर ना x एटा गोटे x आ एटा गोटे x तो यार वैल्यू केते आसला ना x स्क्वायर इक्वल्स टू केते ना 10
दैट इम्प्लाइज एक्स रैल्यू के आसला ना तुम रूट टेन ठीक अच्छे से आमको क्वेश्चन में कौन पचार पेरीमीटर पचार पेरीमीटर इन मीटर ऑफ द फील्ड फील्ड रेरीमिटर के तो पेरीमीटर काढ़ आमको कौन ना लेंथ ओके तो पेरीमीटर के देयरफोर एमती कर देख पेरीमीटर काढ़ा किसी भी आवश्यकता नहीं तो एमती कौन कर देख सरी पेरीमीटर कहली मैंने जो तुम कौन ना लेंथ आउ ब्रेथ तो देख यू केमती करवा ना तुम पेरीमीटर पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू कौन ना तुम टू इंटू कौन ना लेंथ प्लस ब्रेथ करेक्ट तो देख ये आसला तुम टू इंटू लेंथ अच्छी सेवेन एक्स ब्रेथ अच्छी थ्री एक्स तो टोटाल ये केगला ना तुम टेन एक्स तो एक्स जगह केुट कर रूट टेन तो यहाँ के तुम ट्वेंटी रूट टेन इज द रिक्वायर्ड आंसर तो कौटी अच्छे देख सो क्वेश्चन नंबर वन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना समस्त को जानपाल तुम केमी तुम ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला यूज होमर रेक्टांगल फॉर्मूला यूज हो बुझा पड़ा ना समस्त को नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मुव करुच्छे क्वेश्चन नंबर टू कौन देखिए देख व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सर्कल इनस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर कालीर क्लास रे मु तुम मानको इनस्क्राइब आ सर्कमस्क्राइब ए दिटा रो डिफरेंस भल से बुझे छी आई होप समस्त कर मन पड़ छी तो देखो इटा रो फिगर तो जदी मु ड्रॉ करू छी तो कोन हि जीवो ना व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल इनस्क्राइब इन ए स्क्वायर तो गोटे फर्स्ट स्क्वायर टे ड्रॉ करली लेट्स सपोज इटा हेगला तुम स्क्वायर टे इनस्क्राइब माने कोन सब तुम सर्कल टा कोन भीतर रहइबो करेक्ट जस्ट अ सेकंड तो तुम कौन ना सर्कल टा भितर रहिला तो कालीर क्लास में डिस्कशन करी तुम कौन ना सर्कल ओके कालीर क्लास में कौन डिस्कशन करी तुम स्क्वायर साइड लेंथ तुम ये स्क्वायर साइड लेंथ का सहित सामान हम ना तुम सर्कल डायमीटर सहित सामान हम फिगर रे भी पूरा नीट एंड क्लीन भाव में जना पड़ी कौन ना तुम सर्कल डायमीटर जी वैल्यू हम तुम कौन ना स्क्वायर लेंथ वैल्यू भी से हम क्लियर तो ये देख तो आमको क्वेश्चन कौन गिवेन अच्छी ना व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल इनस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया तमें कौन ये तुम सेवेन फोर एट दे कहार एरिया ना तुम स्क्वायर एरिया तो सिंपली या कोमी लिखिपर ए स्क्वायर इक्वल्स टू सेवेन एट फोर तो एथरु आम आराम से ए रैल्यू काढ़ आमको कहार एरिया पचार तुम सर्कल एरिया पचार ठीक अच्छे तो ये देख तो कौन आसला ना तुम ए रक्वायर कला कौन ओके ए स्क्वायर इक्वल्स टू सेवेन फोर एट तो ए इक्वल्स टू के आसगला सेवेन फोर एट र रूट ओवर हुई इज इक्वल्स टू 28 ता माने कोन यार साइड रो लेंथ जति की हो साइड जति की 28 हला तो सर्कल रो कोना डायमीटर भी 28 हो ता माने कोन यार वैल्यू हे गला 28 तो एठी मु लिखि परबी देयरफॉर डी विल बी इक्वल्स टू 28 करेक्ट डी जदी 28 हला आर केते हि जीवो ना तमरो 14 आंकु कोन काडीबार अछि ना तमरो एरिया एरिया विल बी इक्वल्स टू कोन आसला पाई आर स्क्वायर करेक्ट तो देखो पाई जगह रे केते पुट करबी 22 बाय 7 आर आर जगह रे केते आसला तमरो 14 इनटू 14 ठीक अछि तो याको कले केते आसला तमरो 2 ता माने कोन 44 इनटू 14 व्हिच इज इक्वल्स टू तमर केते आस जीवो ना तमरो 616 क्लियर ना समस्ते सो तमरो एरिया रो रेडियस केते आसला तमरो 616 एला कोन सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सो क्वेश्चन नंबर टू रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना समस्त को आई होप बुझा पड़ा समस्त को नेक्स्ट नेक्स्ट आसा तुम क्वेश्चन नंबर टू गला क्वेश्चन नंबर थ्री कौन दे देख द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 20 द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 25.7 सेंटीमीटर ओके व्हाट इज इट्स डायमीटर तो तार डायमीटर केते हबो बोली से पचेरी तो एबे टिके अगर कोन डिस्कशन करू तमर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल रो फार्मूला कोन थिला ना दिस विल बी ओके जस्ट अ सेकंड हां तो एबे देखो कोन ना पेरीमीटर पेरीमीटर रो फार्मूला कोन थिला ना तमर 2r प्लस पाई आर विल बी इक्वल्स टू केते ना तमरो 25.7
गिवेन अच्छी तो देखो एथिरु मु कते एलसीएम नै परबी आर आर जदि मु एलसीएम त नै कॉमन सॉरी एलसीएम कहली एडा कॉमन हबो आर कॉमन नेले कते आसला तमरो दिस विल बी 2 प्लस पाई इक्वल्स टू 25.7 करेक्ट तो देखो एथिरु कोन आसला आर एडा कोन हेगला 2 प्लस पाई पाई जगह रे मु एठी पुट करूची 3.14 पुट करूची इक्वल्स टू केते आसला ना तमरो 25.7 एदा टिके कैलकुलेटिव अछि तो देखो याको कोले केते आसला तमरो दैट इंप्लाइज आर इनटू केते हि जइबो तमरो 5.14 इक्वल्स टू 25.7 तो टिके नोटिस करो तमरो सब वैल्यू गुडा कोना डेसिमल रे नै माने कोन हमको एप्रोक्सीमेट वैल्यू नबा को होबो तो डेफिनेटली देखो एटा तमरो कोना 5 गुणा होछि तो एटा तमरो कोना केते एप्रोक्सीमेटली तमरो 5 पॉइंट समथिंग रे कैंसिल करबो तो एठ मु कोन लिखिबि ना राउंड फिगर करिकि आर रो वैल्यू ले केते लेखा होबो ना तमरो 5 सेंटीमीटर करेक्ट तो हमको से कोन पचेथिला ना से पचेथिला डायमीटर तो डायमीटर विल बी इक्वल्स टू कोन हिजबो ना 2r which is equals to 10 centimeter. So question number 3 रो option number B is the correct answer. Clear समस्तंको बुझा पड़ना question number 3 रो तो मैं जेतु first मुँ कौन notice कर ली ना तुम्हारो कौन ना answer option उड़ा देखो option उड़ा कोड भी तुम्हारो decimal दे नहीं तब मैंने कौन हमको पूरा point पूरा मैंने जो जितनी की तुम्हारो कौन ना fractional value टे total काढ़ी बाकु पड़ी वाली बस जितनी की main तब मैंने approximate value टे काढ़ी वालो ची तो देखो 5.14 ये ने तुम्हारो पाखा पाखी तुम्हारो कौन ना कितने ही जीवो ना 25.7 रो इधर देखो 5 रो 5 गुना कोला को मेरे कौन ना r रो वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आसीबो तो बस हमको राउंड फिगर टे ने वालो ची तो सेती पे कौन ना r रो वैल्यू एठ मु कते ने ली ना 5 ने ली किंतु हमको से क्वेश्चन ने कौन पचेर छी ना क्वेश्चन ने पचेर छी डायमीटर तो एटा केते आसला ना d रो वैल्यू आसी गला 10 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर समझते नेक्स्ट नेक्स्ट आसला तुम्हारो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कोन समझते कोन देछि ना एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज पाई बाय 9 सेंटीमीटर इट्स रेडियस इज इक्वल टू तो सिंपली ए जो क्वाड्रेंट 1 तरो माने जे बुझला ताको हार्डली गोटे मिनट भी लागिवनी तमरो प्रॉब्लम सॉल्व हेजबो क्वाड्रेंट माने कोन देखो तो तमरो कोन ना सर्कल ता जदि एटा गोटे सर्कल हुए याकु जदि मु कोन ना इक्वल चारिटा पार्ट्स रे डिवाइड करूची देन ईच ए गुडा को तमरो कोन ना गोटे गोटे क्वाड्रेंट बोली कोहा जिवो करेक्ट तो एबे देखो से कोन कहिची ना तमरो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट गोटे क्वाड्रेंट रो सर्कल रो एरिया जानिचो हमे पाई आर स्क्वायर तो गोटे एटा को जदि हमे कोन ना क्वाड्रेंट माने इक्वल चारिटा भाग करे भाग करलु तो तारो ईच रो एरिया केते आसी जिवो ना तमरो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 करेक्ट इक्वल्स टू हमको क्वेश्चन ने केते गिवन अछि ना तमरो पाई बाय 9 हे गला गोटे लाइन आंसर तो देखो पाई को पाई कैंसिल हे गला तो केते आसला ना तमरो पाई सॉरी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय 9 दैट इंप्लाइज कोन ना आर विल बी इक्वल्स टू 2 बाय 3 ठीक अछि त हमको कोन पचेथला अ ओके आर रो वैल्यू त आसला से हमको क्वेश्चन ने पचेर छि इट्स रेडियस इज इक्वल टू सो क्वेश्चन नंबर इरे टिके कोटी आई थिंक ऑप्शन रे भूल अछि एगुडा तमरो ओके एक्चुअली इरे टिके प्रिंटिंग मिस्टेक है जेरे केमती होबो को तो एटा हि जइबो तमरो 3/2 एटा आसी गइबो तमरो 1/3 एटा हे गला तमरो 1/2 आ एटा केते आसी बना तमरो 2/3 करेक्ट से हमको रेडियस पचेर छि तो रेडियस रो वैल्यू केते आसला ना तमरो 2/3 सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना समझते कहारी किसी कन्फ्यूजन नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करूची क्वेश्चन नंबर 5 कौन देखी देखो द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ एनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 3080 मीटर स्क्वायर तो थे आ गुडे वर्ड दीची कौन तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक ओके इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द आउटर एज and that of the inner edge of the circular path is 10 cm then the sum in meter of the two radii to dekho concentric circle mane tikya agru kon kahili jo circle la tamaro center same thai taku kon kahai jaithe na tamaro concentric circle to dui ta concentric circle draw kariba first
ओके हेगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना दे एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ एनक्लोज बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल ता माने कहारो एरिया हमको गिवन अछि ए जो जति की पोर्शन त तमरो डार्केन करली सेटारो एरिया करना तमरो गिवन अछि त तारो एरिया केते आसी जीवो जदि तमरो करना ए जो यारो रेडियस जदि स्मॉल आर यारो रेडियस जदि कैपिटल आर हुए तो तारो एरिया केते आसी जीवो ना एरिया विल बी इक्वल्स टू करना पाई कैपिटल आर ओ स्क्वायर माइनस स्मॉल आर ओ स्क्वायर ठीक अछि तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केते ना तमरो पाई कैपिटल आर ओ स्क्वायर माइनस स्मॉल आर ओ स्क्वायर इक्वल्स टू केते ना तमरो 3080 ठीक अछि तो एबे देखो तो हमको कोन पचार छि ना तो एथिरु हमें कोन काढ़ दे परबा तमरो कैपिटल आर ओ स्क्वायर माइनस स्मॉल आर ओ स्क्वायर कोला कोन एटा केते आसला तमरो 3080 into 7 by 22 ठीक अछि तो एबे देखो तो एटा तमरो कोथरे कैंसिल होबो एटा तमरो 8 3 11 ना हां तमरो देखो 11 रे कैंसिल होबो तो 11 रे एटा कैंसिल करले केते आसला तमरो 2 याकु 11 रे कैंसिल करले आसला तमरो 11 22 11 88 शून्य तो देखो अगेन एटा 2 रे कैंसिल होबो 2 रे करले 2 के 2 2 चक 8 एटा शून्य तो एबे देखो तो केते आसला तमरो एटा बरो वैल्यू केते आसला ना तमरो 17 एटा सॉरी 1470 हेगला तमरो 98 तो तमरो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर रो वैल्यू केते आसला ना तमरो 980 करेक्ट तो एबे देखो आउ कोन काम को क्वेश्चन गिवन अछि द डिफरेंस बिटवीन द रेडाई ऑफ आउटर एज एंड दैट ऑफ इनर एज ता माने कोन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रो वैल्यू केते दैछि ना तमरो 10 मीटर करेक्ट तो एबे देखो आमे कोन जानछु एई थ्रू लिखु छी देखो तमरो कोना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो फार्मूला जदि पुट करे तो कोन आसीला कैपिटल आर प्लस सॉरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू 980 सेम एक्सप्रेशन ताही तो एबे देखो तो यार वैल्यू केते आसीला कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जगह रे एटी केते पुट करि परबि ना तमरो 10 तो कोन हि गला ना कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू 980 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज इक्वल्स टू 98 सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर एटा तमरो आसीबो बी एटा हि गला सी सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना समस्तंकु क्वेश्चन रो अप्रोचेस बुझा पडला ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर केते अछि रे 5 वाला क्वेश्चन नंबर 6 कोन दिछि देखो व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच साइड्स मेक की ओके व्हिच साइड्स आर केते ना तमरो 20√3 सेंटीमीटर आ गोटे केते दिछि ना तमरो 15√3 सेंटीमीटर तो कोन पचेर छि देखो तमरो गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ते अछि ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कोन हे गला गोटे असला तमरो कोना 15√3 आ गोटे असला तमरो 20√3 तो यार लेंथ ता आराम से काढ दे परबो तो यार लेंथ रे केते आसीबो ना याको जदी मु नेनी h ओके तो h रो वैल्यू केते आसीबो ना h विल बी इक्वल्स टू 20√3 रो होल स्क्वायर प्लस कोन तमरो 15√3 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर करेक्ट तो एबे देखो तो याकु कले केते आसीबो तमरो दिस विल गिव्स यू तमरो कोन 625 into 3 रो root over एटा को कले आसला तमरो 25√3 तो कोना h रो वैल्यू केते आसीला ना तमरो 25√3 करेक्ट तो हमकु से कोन पचारी छी ना पेरिमीटर तो पेरिमीटर सिंपली ऐड कर दियो सिंपली ऐड कर देले तमरो केते आसीबो ना तमरो 60√3 एटा को कोथरे अछि ना तमरो सेंटीमीटर सो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सिंपली ए क्वेश्चन से एथि पई रखी छी माने तमरो कोना ए जो तमरो स्क्वायर ताको समस्त जेंति कंफ्यूज न हुआ √3 रो स्क्वायर कोले से केते हे थे ना तमरो √3 रो स्क्वायर सदाबले केते ना तमरो 3 हे थे करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करू छी क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कोन दिछि देखो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द ट्रायंगुलर पार्क विथ साइड 60 सेंटीमीटर 112 सेंटीमीटर 164 मीटर सॉरी सेंटीमीटर कहली ए गोटे गला तमरो 60 मीटर आ गोटे असला तमरो 112 मीटर आ गोटे केते ने तमरो 164 मीटर एट रेट ऑफ
10.50 per meter square, correct? तो देखो से हमको से कौन कोई ची ना तमरो the cost of leveling the triangular park, तमने कौन धरा जो गोटे triangular park टे ची तारो side बुड़ा केते दी ची गोटे दी ची तमरो 60 meter, आ गोटे केते दी ची ना तमरो 1 1 2 meter, आउ कौन ना तमरो 164 meter. तो देखो से कौन दी ची ना तमरो leveling करी बार ची तमने कौन ये जो समतल करी बार ची मैंने obviously तमरो ये जो area टा को तमे समतल करी बो तो आमको कौन काढ़ी बार ची ना ये जो तमरो skeleton triangle टा ची यारो आमको area काढ़ी बार ची correct. तो देखो इत्रो first मु कौन काढ़ी भी ना तमरो s रो value केते ही ची बो तमरो ये तीन टा को add करो मैंने केते 60 plus 1 1 2 plus 164 divided by 2 करले तमरो s आसीबो तो s रो वैल्यू केते आसीला ना तमरो 168 s रो वैल्यू आसीला. एबे हमें कोन काढिबा ना तमरो एरिया एरिया विल बी इक्वल्स टू कोन हिजिबो ना s s माने आसीला 168 इनटू कोन ना 4 इनटू 108 इनटू एडा केते आसीबो तमरो 56 यारो रूट ओवर करेक्ट. एथिरो तमे आराम से करना एरिया काढ़ी दे परिबो एरिया काढ़ला परे कोन हिजिबो ना तमरो कोन दिसि ना प्रति मीटर को से करना 10 टंका 50 पैसा पर मीटर को नोची. तो एथिरो तमरो गोटे जहां भी गोटे एरिया बाहरिबो समथिंग मीटर स्क्वायर गोटे मीटर को जदी 10 टंका 50 पैसा नोची ए जहां भी एथि मीटर बाहरिबो सेरे तमरो केते टंका नबो समस्त काढ़ दे परिबो ना सिंपली एथि जो जहां भी तमरो एरिया टा बाहरिबो सेथे करना तमरो 10.50 मल्टीप्लाई कर दबो तमरो करना आंसर आ जिवो. ओके तो समस्त एटा रा स्क्वायर रूट निजे काढ़िबो देन तमरो करना वैल्यू केते आसीला मते ए जो स्क्वायर रूट रो वैल्यू केते आसीला कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जानिबो यार आंसर टा मु कहि दउ छी. सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर ते केते आसीबो ना तमरो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. समस्त दिखे आंसर टैली करनाबो. ओके सो क्वेश्चन नंबर 7 टा मु तमन को पाई होमवर्क रखि दउ छी. ओके जदि कहारो न बाहरे तो कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जानिबो मु गोटे पेपर रे किबा कोनसी भी गोटे शॉर्ट वीडियो करी कि मु तमन को टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर कर देबी. ठीक अछि ना स्क्वायर रूट टा काढि दि परबो बस तमे याको पूरा मल्टीप्लाई न करी कि गोटे काम करबो तमे जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड रे से मेथड रे तमरो स्क्वायर रूट टा काढनबो हेले तमरो इजी हबो करिया पई करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 7 रो करेक्ट ऑप्शन कोठे हे गेला ऑप्शन नंबर बी टा तमन को पई काम रहिला कोना एरिया टा नीचे काढि नबो. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 गेला क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कोन देछि देखो द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.33 meter. ओके व्हाट डिस्टेंस विल ट्रैवल इन 380 रिवोल्यूशन. ओके ए टाइप्स रो क्वेश्चन गुडा पई गोटे जिंस मन रखी थौ खाली कोना तमरो एठी गोटे फार्मूला स्टार मार्क करके लिखि दउ छी तमरो कोना डिस्टेंस ट्रैवल तमरो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल्स टू केते हि जीवो ना तमरो 2 पाई आर इनटू एन ताको जदि कोना तमरो 2 पाई आर को एन सहित जदि मु मल्टीप्लाई एन माने कोन केते थरो से बुली छी ताको जदि मल्टीप्लाई कर दिए तो तमरो कोना टोटल डिस्टेंस केते ट्रैवल करी छी तमरो व्हील टा बाहर जीवो करेक्ट. तो एबे देखो से हमको क्वेश्चन ने कोन दी छी ना तमरो डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.33 meter. नेक्स्ट कौन पचारी छी ना व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 380 रिवोल्यूशन. तो से हमको कौन पचारी छी तो देखो एटी कौन ना डिस्टेंस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन केते दे छी ना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे छी तमरो 380 तो एटी एन जगह रे मु केते पुट करबी ना तमरो 380 इनटू इनटू कोन ना तमरो एटा कोन दे छी देखो डायमीटर दे छी भूल ले याकू रेडियस जगह रे पकेई दबो नि केहिबी त माने कोन एठी डायमीटर दे छी केते 1.33 तो एथरो हमें कोन ना रेडियस काढ दे परबा तो आर रो वैल्यू केते आसला 1.33 डिवाइडेड बाय 2 करेक्ट. तो एबे देखो हमकू कोन काढ बारो छी 2 पाई आर 2 एज इट इज पाई जगह रे मु लिखु छी 22/7 इनटू आर जगह रे केते अछि ना तमरो 1.33 डिवाइडेड बाय 2 ठीक अछि. तो देखो एटी तमरो कोन ना एटी तमरो 2 को 2 डा कैंसिल हे गला आउ कोन कैंसिल हबो. ओके याको पूरा सॉल्व करले तमरो फाइनल केते आस जिवो ना तमरो दिस विल गिव्स यू 11 इनटू 1444 करेक्ट. तो देखो याको 11 सहित मल्टीप्लाई करले केते आसला तमरो 4 नेक्स्ट 4 4 8 नेक्स्ट आसला 4 के 5 आ गोटे एथि करना तमरो 1 करेक्ट. तो आंसर केते आस जिवो ना तमरो 15884 कोडी छ देखो तो
15 जस्ट सेकेंड कोडी टिके मिस्टेक हला बदे ओके एटा तमारो 4 ओके 4 प्लस 4 एटा 8 हबो ओके एठी 8 हबो कोन ना 1588 इज द रिक्वायर्ड आंसर तो ओके तो कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि ना बस एटी मल्टीप्लिकेशन टा भूलैतला बोले आंसर आसु नथिला सो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक बुझा पड़ला समस्त को तो कौन ना जिते बड़े भी तुम्हारा विल प्रॉब्लम थी मेनली ए कॉन्सेप्ट ऊपर ही तुम्हारा क्वेश्चन पहुंचा रिबो कौन ना तुम्हारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द विल विल बी इक्वल्स टू कितने आसीबो ना तुम्हारा 2 पाई आर इनटू एन ठीक अछि ना या ऊपर बेस करके आ गोटे प्रॉब्लम टे कर दबा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 समस्त वीडियो को पॉज करके थरे निजे ट्राई करो यदि न होए तो आंसर तो करू छी हेबे कोन दे छी देखो द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 49 सेंटीमीटर ओके द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन व्हिच इट विल हैव टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 770 मीटर तो से हमको क्वेश्चन ने कोन दे छी ना तमरो डायमीटर डायमीटर दे दी छी केते 49 सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखो तमर कोन ना अपन देला अपन डिस्टेंस डिस्टेंस केते देछि ना डिस्टेंस डिस्टेंस देछि 770 मीटर 770 को याकु तमर देखो इथि सेंटीमीटर अछि एथिरे तमर मीटर अछि कोलाखन एटा केते आछिबो तमर 770 अग्रे आउ दीटा सुन बसिबो एला आसी गेला तमर सेंटीमीटर रे एबे डायरेक्ट फार्मूला रे पुट कर दियो कोन ना तमरो फार्मूला टा कोन थिला आउ थरे रिकॉल कर दबा कोन ना डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू कोन ना तमरो 2 पाई आर इनटू एन करेक्ट तो देखो डिस्टेंस ते कर केते पुट करबी 771 2 3 इक्वल्स टू कोन ना तमरो 2 इनटू पाई पाई जगह रे पाई टा को मु कोन कर छी ना एज इट इज रख दउ छी ना हले नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पचर छी ना ओके पाई टा को पके दउ छी ना हले 22 बाई 7 ठीक अछि इनटू आर आर रो वैल्यू केते दी छी ना तमरो आर रो वैल्यू आसीबो 49 डिवाइडेड बाय 2 इनटू एन हमको से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पचर छी इन व्हिच इट विल हैव टू कवर ओके ए देखो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन व्हिच माने कोन ना एन रो वैल्यू से केते बोली पचर छी तो देखो याकु सब गुडा को लेफ्ट हैंड साइड को ओके नले एठी कैंसिल कर दियो देखो देते करे तमरो 2 को 2 कैंसिल हैला एठी तमरो 7 रे कले एटा 7 7 हैला करेक्ट तो देखो एडे केते आसीबो तमरो आउ कोठी हां एतिके कैंसिल होबो ना तो एयर वैल्यू केते आसी गेलै ना तमरो n n विल बी इक्वल्स टू 7 देकी तमरो केते आसला 1 आ गोटे 7 1 2 3 डिवाइडेड बाय केते हि जीवो तमरो 22 into 7 ठीक अछि तो कोलाखण एटा तमरो केते आसी गेलै तमरो याकु कले आसीबो तमरो एठी कले 11 कले डाले तमरो 7 11 कले हां 7 1 2 3 तो एडा को पुणी आउथरे कले केते आसीबो तमरो जस्ट ए सेकंड एडा कले आसला तमरो केते ना एडा गोटे 2 गोटे अछि ना तो एठी कले आसला तमरो 1000 ओके हजारे हला ना हां एबे एटा आसला तमर कोन ना n इक्वल्स टू हेगला तमर केते ना तमरो 500 इज द रिक्वायर्ड आंसर सो क्वेश्चन नंबर 9 सो क्वेश्चन नंबर 9 रो कोटा हे जीवो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बस इतरे टिके कैलकुलेशन फास्ट करले आराम से जल्दी ही आंसर बाहर जीवो सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करू छी बुझा पडला ना समस्तंको कोन हला हमर फार्मूलाटा ना डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जति कि थरो से रिवॉल्व करै छी सेटा को मल्टीप्लाई करबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कोन दिछि देखो 1 क्वाड्रेंट 1 क्वार्टर ऑफ ए सर्कुलर पिज़्ज़ा ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द होल पिज़्ज़ा ओके व्हाट इज द पेरिमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा ता माने कोन कहि छि देखो गोटे पिज़्ज़ा थिला ओके एटा थिला गोटे तमरो राउंड पिज़्ज़ा टे करेक्ट तो तारो कोन ना 1 क्वार्टर ऑफ सर्कुलर पिज़्ज़ा ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द होल पिज़्ज़ा तो तमरो जति कि तमरो टोटल पिज़्ज़ा टा थिला तारो 1/4 भाग को के जने खाइ गलो रिमूव माने के जने खाइ देला ठीक अछि तो से हमको क्वेश्चन ने पचारी छि जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट टा रहला रिमेनिंग पार्ट टा माने जति कि तमरो डार्केनिंग करू छि देखो ए पार्ट टा यारो
तमरो पेरिमीटर केते हबो बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारी छी करेक्ट। तो एबे देखो तो हमरो जदी डायमीटर हे गला केते 28 सेंटीमीटर ठीक अछि तो एथिरु आर रो वैल्यू काढ दे परबा आर रो वैल्यू आसीला तमरो 14 सेंटीमीटर क्लियर। तो एबे देखो तो आमे जदी कोन ना तमरो होल टारो जदि आमे पेरिमीटर काढबा को चाहिबा माने पूरा वृत्त टारो जदि आमे पूरा सर्कुलर पाथ टारो जदि आमे कोन ना पेरिमीटर काढबा को चाहिबा तो एटा केते आसीबो तमरो 2 पाई आर करेक्ट। तो एटा केते आसला देखो 2 इनटू पाई जगह रे 22/7 आउ आर जगह रे केते आसला ना तमरो 14 करेक्ट। तो एटा केते आसला तमरो 7 रे कोले एटा आसला तमरो 2 ता माने कोन तमरो 2 पाई आर इक्वल्स टू केते आसला ना तमरो 88। तो देखो ताको हमें इक्वल चारिटा पार्ट रे डिवाइड करबा ता माने कोन एटा जदी मु ताको एटा को धर धर जाऊ नहले याको एटा गोटे फिगर टा करूची याको छाडा ठीक अछि ना। जदी तमरो एटा जदी टोटल सर्कुलर फिगर माने सर्कुलर पिज्जा टे हला तारो जदी ए साइड गुडा को करना तमरो अच्छी केते ना तमरो साइड गुडा हे गला तमरो टोटल टा आसला 88। तो ताको मु इक्वल चारिटा पार्ट रे डिवाइड करबी चारिटा पार्ट रे डिवाइड कोला कोन ईच रो वैल्यू केते आसी गला ना ईच रो वैल्यू आसी गला केते ना एटा आसला 22 एटा हे गला 22 ए पोट परसेंट आसला 22 एटा हे गला 22। तो देखो सेथिरु गोटे स्लाइस टे निया हिची ता माने कोन टोटल 88 रु टोटल त जदि एयारो जदि टोटल साइड रो लेंथ त जदि 88 सेंटीमीटर हुए तो सेथिरु कोन तमरो 22 सेंटीमीटर लेंथ त की जणे खाइ दिछि। तो रिमेनिंग पार्ट टा ए पोर्शन टा रो केते रहिबो इट दिस विल बी इक्वल्स टू 66। तो देयरफॉर पेरिमीटर 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 विल बी इक्वल्स टू केते ना तमरो 66। बट देखो एठी भूल हेबार चांसेस अछि से जानि सुनि से कोन करि छै ना तमरो ऑप्शन रे भी 66 दै छै। तो देखो बट आमे जोटा काढिलु 66 काढलु माने को एई एतिकी पोर्शन टा ही काढिलु एतिकी पोर्शन टा ही बट आमरो पेरिमीटर कहले ए दिटा भी तो इंक्लूडेड हबो ना ओबवियसली। तो पूरा पेरिमीटर माने कोन सिंपली जति की साइड गुडा रहछि सब गुडा रो लेंथ रो समटा आमे जोटा 66 काडलु एउटा तो केवल सर्कल रो पार्टटा रेडियस पार्टटा तो रही जाइछि ही। तो ताकू केते ऐड करबा ना सेथि आमे ऐड करबा केते ना तमरो 28। तो 28 ऐड कोला कोन एटा केते आसीबो ना सो फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू केते आसला ना तमरो 94 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 10 रो करेक्ट ऑप्शन कोटा हि जीवो ना ऑप्शन नंबर बी केही भी तरबर रे ऑप्शन नंबर डी को मार के आसी गोनी। ऑप्शन नंबर डी मारला माने कोन सिंपली तमे सर्कुलर पार्ट टा को काउंट करिछो बट तमरो ए जो दीटा रेडियस रहला तो सेटा भी तमरो पेरिमीटर इंक्लूड जीवो तो सेटा को काउंट करा हेनी क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 10 समस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करू छी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कोन छी देखो इन द फिगर ओके फर्स्ट इयर ऑफ फिगर टा ड्रा कर दउ छी एटा हे गला तमरो गोटे सर्कल टे यारो गोटे एल सेंटर अछि एल करेक्ट एटी आसीला तमरो एटी हे गला ओके दिस वन एमिति अछि एटा आसीला तमरो एम एटा आसी तमरो एन एटी के तमरो टोटल फिगर गिवन अछि कोन दै छि देखो इन द फिगर एल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओके एम एल इज परपेंडिकुलर टू एल एन ता माने कोन एम एल ए लाइन टा या ऊपर परपेंडिकुलर माने एठी अछि तमरो केते ना 90 डिग्री ओके से कोन नेक्स्ट दिछि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एम एल एन ए एम एल एन ट्रायंगल लो एरिया अछि तमरो केते ना तमरो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कोन पचछि देन द एरिया ऑफ सर्कल सर्कल रो एरिया केते हबो बोली से पचरिछि। तो देखो तमरो कोन ना एम एल एन एटा गोटे राइट एंगल ट्राइंगल टे तो राइट एंगल ट्राइंगल रो एरिया रो फॉर्मूला कोन थिला ना तमरो हाफ बेस इनटू हाइट करेक्ट इक्वल्स टू मु लिखि परबी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक अछि। तो एबे देखो ए बेस कहिले कोन एल एन टा आउ कोन ना हाइट कहिले कोन ना तमरो एम एल टा बट एठी देखो तमरो कोन ना एल एम एंड एल एन ए दीटा जको कोन ना तमरो सर्कल रो रेडियस टा करेक्ट ता माने कोन एल एम रो लेंथ जति की हबो एल एन रो लेंथ भी सेति की हबो जेतु देखो एटा भी तमरो गोटे रेडियस टा सर्कल रो एटा भी गोटे रेडियस टा ता माने कोन एटा जदी आर हुए तो डेफिनेटली एटा भी तमरो आर ही हबो
ता माने कोन एथिरो हमें कंक्लूजन कोन ड्रॉ करलो ना तमरो जदि एटा पाई ओके एटा को एपोर्ट साइड को नेनु छी तो कोन आसला बी आउ एच रो वैल्यू सेम अछि ता माने एठी मु लिखि परबी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 36 × 2 करेक्ट एथिरे कहि भी कंफ्यूजन नहीं तो केते आसला ना तमरो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 72 ठीक अछि एबे देखो आमको से क्वेश्चन ने कौन पचार ना तुम्हारो एरिया ऑफ सर्कल तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए सर्कल सर्कल रो एरिया केते ही जीवो ना तुम्हारो पाई आर स्क्वायर तो देखो पाई को एज इट इज रखी दियो आर स्क्वायर जगह मु पके परबी 72 तो एटी केते पटला ना तुम्हारो 72 सो द एरिया ऑफ द सर्कल इज 72 पाई कोटी अच्छे देखो सो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना क्वेश्चन रो अप्रोच समस्त को आई होप बुझा पड़ छी कहि किछ भी कंफ्यूजन नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करू छी क्वेश्चन नंबर 12 कोन दे छी देखो ए कोड ऑफ लेंथ कोन तुम्हारो 24 सेंटीमीटर ईच एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओके फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल व्हाट इज द एरिया तो फिगर टा फर्स्ट के ड्रा कर दोची देखो कोड समस्तंकर मने अछि तो कोन हेगला एटा गोटे सर्कल टे लेट सपोज इट गोटे मु कोड टे ड्रा करूची लेट दिस इज द कोड टू द सर्कल से कोन दिछि ना ए कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ता माने कोन ए कोड रो लेंथ केते आसीला ना तमरो 24 सेंटीमीटर आ कोन दिछि इज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ता माने कोन एटा जदी सेंटर हुए ओ सेंटर रो कोड रो डिस्टेंस ता केते हि जीवो ना तमरो 5 सेंटीमीटर ठीक अछि ऑफ द सर्कल तो एबे देखो आमे कोन जानि छु तमरो सर्कल रो गोटे प्रॉपर्टी टे अछि कोन ना धरा जाय तमरो कोड रो आमे जदी माने हो कोड को जदी गोटे आमे सेंटर रो परपेंडिकुलर टे टाणीबा तो सेटा कोन होबो ना तमरो जो ए जो कोड को इक्वल दीटा पार्ट्स रे डिवाइड करबो आ तरे कहू छी जदी आमे सेंटर रो कोड को गोटे माने कोन ना परपेंडिकुलर टे ड्रॉ करबा देन इट विल डिवाइड्स और इट विल बाइसेक्ट द कोड ता माने कोन यारो लेंथ केते जीवो यारो लेंथ जति के आसीबो यारो लेंथ भी सेति की होबो करेक्ट तो एटा 12 अछि माने एटा केते आसी गला तमरो सॉरी एटा टोटल टा 24 अछि माने अधा कले से केते आसला ना तमरो 12 करेक्ट तो एबे देखो एटा को टिके नोटिस करो तमरो ओ ए ट्रायंगल टा जोटा को टिके डार्केन करली से ट्रायंगल टा को नोटिस करो तो याको एपोर्ट साइड रे कर दउ छी मु ओके ए बाहर साइड रे एटा केते आसला तमरो 12 एटा केते आसला तमरो 5 तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5, 12, 13 तो हाइट कितने सॉरी हाइपोटेन्यूस कितने आ जीवो ना तुम्हारा हाइपोटेन्यूस आ सिगला तुम्हारा 13 तो देखो ए जो ट्रायंगल रो हाइपोटेन्यूस जोटा सर्कल रो रेडियस भी सेटा तो आमे कोन लिखि परबा आर विल बी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर क्लियर सेंको क्वेश्चन रे कोन पचारी छी ना तुम्हारा एरिया देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल्स टू कौन तुम्हारो पाई आर स्क्वायर तो कहते देखो पाई जगह कहते पुट करी भी 22/7 आर जगह कहते ऐसे ना तुम्हारो 13 तो या कुछ ये तुम्हें सॉल्व कर दो सॉल्व कर ले ओके 13 रो पाई आर स्क्वायर ना माने 13 रो स्क्वायर तो ये कॉला कौन कहते हैं जीबो 22 × 169 डिवाइडेड बाय 7 तो या कुछ तुम्हारो सॉल्व कर ले कहते हैं जीबो ना तुम्हारो 53.14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर बुझा पड़ला समस्तंको ए जो प्रॉपर्टी टा इरेड को टिके समस्ते मन रखि देथिबो ओके सो क्वेश्चन नंबर 12 रो कोटा हेगला ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करू छी क्वेश्चन नंबर 12 वाला क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 समस्ते पढ़ो कोन दे छी ना तमरो क्वेश्चन नंबर 13 कोन आसला देखो ओके इटा प्रिंटिंग मिस्टेक हे जी छी ठीक है इटा 13 हबो ओके कोन दे छी द पेरिमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज द पेरिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल द पेरिमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 मीटर इफ ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ देन द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल तो ता माने कोन क्वेश्चन से हमको दे छी तमरो स्क्वायर ऑफ पेरिमीटर माने कोन 4a विल बी इक्वल्स टू सेम एज
पेरिमीटर ऑफ रेक्टांगल ता माने कोन 2 इनटू एल प्लस बी करेक्ट। तो एबे देखो आउ कोन दिछे ना आउ कोन गिवन अछि तमरो आउ कोन एटा द पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर स्क्वायर रो पेरिमीटर दे दिछि केते 40 मीटर ता माने कोन 4 ए जगह मु लिखि परबी 40 विल बी इक्वल्स टू 2 इनटू एल प्लस बी। तो याकु दिए कैंसिल करो तो हे गला कोन ना एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 20। ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट आउ कोन डाटा अछि मो पाखरे देखो इफ द ब्रेथ इज 2/3 ऑफ लेंथ ता माने कोन बी विल बी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एल करेक्ट। तो देखो इथे मु पुट कर परबी एल जगह रे केते आसीबो एल को एज इट इज रखि दउ छी एल प्लस बी जगह रे लिखि परबी 2/3 एल इक्वल्स टू 20 करेक्ट। तो एबे देखो या को टिके सिंपलीफाई कर दे कोन तमरो एल रो वैल्यू बाहरि जइबो तोरे केते आसला 5/3 एल विल बी इक्वल्स टू 20 दैट इंप्लाइज एल विल बी इक्वल्स टू केते हि जइबो ना एल रो वैल्यू एटु काट दे परबा हम आराम से। तो एल रो वैल्यू केते आसला जस्ट अ सेकंड एल रो वैल्यू केते आसला ना तमरो 20 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 12। एल रो वैल्यू बाहरला एल रो वैल्यू बाहरले तमे बी रो वैल्यू काट दे परबो बी रो वैल्यू केते हे गला 2/3 इनटू एल व्हिच इज इक्वल्स टू 2/3 इनटू 12 कोला कोन केते आसला ना तमरो 8। ठीक अछि हमकु से क्वेश्चन दे बट कोन पचारि छी ना तुम्हारो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगल रो एरिया केते हबो बोली से पचारी छी। तो देखो देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल्स टू केते ना तुम्हारो 12 इनटू 8 व्हिच इज इक्वल्स टू 96 एटा कोथि रहछि ना तुम्हारो मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 13 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 कोन दे छी देखो वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 12 वन ऑफ द डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। डायरेक्ट क्वेश्चन टे सिंपली तमरो प्रॉपर्टी जदि कालिरो क्लास रे जति की पढाई छी सब मने अछि हार्डली गोटे सेकंड भी लागिबनी क्वेश्चन टा सॉल्व हेजो फिगर ड्रा करबा भी आवश्यकता नै। तो एबे देखो याकु कोले कोन आसीबो तमरो एटा आसला कोन ना गोटे दिछि तमरो 13 सेंटीमीटर माने कोन ना एटा हेगला तमरो 13 आ कोन ना डायगोनल दिछि 10। आमे लास्ट क्लास रे कोन पढिछु ना तमरो रोम्बस रो डायगोनल ईच अदर को परपेंडिकुलरली बाइसेक करंती ता माने कोन एटा जदि टोटल जदि तमरो 10 हला तो एटा हेगला 5 एटा आसीगला तमरो 5 आ कोन ना एठी जदि तमरो कोन ना राइट एंगल टे। तो जदि मु टिके नोटिस करे ए एंगल टा को ए ट्रायंगल टा को जोटा को डार्केन कोली ओके ए ट्रायंगल टा गोटे तमरो राइट एंगल ट्रायंगल टे जोथे कोन ना तमरो ए जो दिस इन दिस पोर्शन टा एटा कोन आसीला ना तमरो गोटे हाइपोटेन्यूस टे। तो डेफिनेटली पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कोन थिला 5 12 13 तो एटा तमरो बेस्ट केते आसीबो ना तमरो 12। ठीक अछि तो एबे देखो ए ट्रायंगल टा रो जोटा अछि तारो एरिया काढी परबा तो एरिया केते आसीबो हाफ बेस माने आसला 12 इनटू हाइट 5 तो कोलेटा कोले केते आसला 6 6 5 केते 30। तो देखो गोटे जदि आसला 30 तो डेफिनेटली एटा भी 30 हबो एटा भी 30 हबो एटा भी 30 हबो तो देयरफॉर रोम्बस रो एरिया केते आसला 30 इनटू 4 व्हिच इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना बुझा पड़ला समस्तंकु क्वेश्चन रो केमति की करा हला। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कोन दिछि देखो द पेरिमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 8:1 ओके एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1323 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो से हमको क्वेश्चन ने कोन दिछि ना पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल ता माने कोन 2 इनटू एल प्लस बी डिवाइडेड बाय एल इक्वल्स टू केते अछि ना तमरो 8/1 क्लियर। आउ क्वेश्चन ने कोन गिवन अछि आउ क्वेश्चन ने हमरो गिवन अछि एल एरिया ना एल इनटू बी विल बी इक्वल्स टू केते ना 1323 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक अछि लेट आमे अज्यूम करबा लेट
एल इक्वल्स टू एटी वन अच्छी मैंने कितने आसला एक्स करेक्ट तो कैसे आसो तुम या देख टू एल प्लस बी विल बी इक्वल्स टू एट एक्स ठीक अच्छे तो या कैनसल कले तुम फोर दैट इम्प्लाइज कौन ना एल एल जगार के लिखी ना एक्स प्लस बी जगार के लिखी एज इट इज बी रहा है तुम कौन ना फोर एक्स तो बी रैल्यू के आसला ना बी विल बी इक्वल्स टू थ्री एक्स ठीक अच्छे एल आउ बी रेसीो काढ़ीदल यू नहीं कि तुम इक्वेशन वन या आम आज्यूम करूँ एटा हो टू तो या पुट कर दियो तो के तुम थ्री एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू थ्री है ना हाँ थ्री एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वन थ्री टू थ्री तो एथरो आम आराम से एक्स स्क्वायर वैल्यू काट दे पार एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन थ्री टू थ्री डिवाइडेड बाय थ्री व्हिच इज इक्वल्स टू या कले तुम कैनसल कले के आसला ना तुम फोर फोर वन चार सौ एक चाश कह मानने रुट ओवर कले के आस ना दैट इम्प्लाइज एक्स विल बी इक्वल्स टू ट्वेंटी वन सेंटीमीटर तो आमको से क्वेश्चन कौन पचार ना फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टांगल तो लेंथ रे कोमे केते नैथिलु ना एक्स तो देयरफॉर एल विल बी इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर क्लियर बुझा पड़ला समस्त को एटी तमरो मेंसुरेशन चैप्टर टा पूरा कंप्लीट हला मेंसुरेशन आमे जति की तमरो इंपोर्टेंट बस टू द पॉइंट फार्मूला सब जति की सब नोट डाउन करलु नेक्स्ट नेक्स्ट आमे कोन डिस्कशन करलु ता उपरे बेस करी की किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करलु एई क्वेश्चन गुडा ही बस तमरो डाटा बुलेबो के किसे पचारिबो ओके आ गोटे जिन मन रखी था बस आ गोटे जिन कौन तुम सर्कमस्क्राइब आउ इनस्क्राइब ये दुटा जिते भी कर भलसे देखिकी कर सी कौन कही कौन मागिची क्वेश्चन लांगुएज को बुझिकी तापर आंसर देव ठीक अच्छे ना ये तुम मेन्सुरेसन कम्प्लीट है आज जो मैंने भी आग क्लास गुड़ाक कर क्लास गुड़ा जिते जल्दी एज सुन एज पसबुल सब गुड़ा कम्प्लीट कर देव ओके आशा कर क्लास टा समस्त भल लगी जो मैंने भी चैनल नुआ अच चैनल को सब्सक्राइब कर दबो आउ टेलीग्राम ग्रुप रे भी जॉइन कर दबो बहुत जल्दी मुझ तुमको को भाई प्रैक्टिस सेट भी टेलीग्राम ग्रुप रे अपलोड करी से प्रैक्टिस सेट विथ सॉल्यूशन दे दी थी समस्ते फर्स्ट ट्राए कर जे निजे मैंने गोटे टाइमर लगे कि क्वेश्चन सल्व करने देन ना के आंसर ठीक हो भूल होजे टैली करनेब ओके आशा कर क्लास टा समस्त भल लगी और हेल्पफुल रही तेज निश्चय चैनल को सब्सक्राइब कर और सांग सहित सेयार करने लाइक टे कर थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।